हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुनः एक बार स्वागत है सक्सेस पॉइंट में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के अर्थात विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये हेडिंग होगा हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये जो हमारा चैप्टर है। ठीक है दोस्त, इसी में हमारा हेडिंग है बायो सेवर्ट का नियम क्या है, अर्थात बायो और सेवर्ट ये दो वैज्ञानिक थे, राइट्स, दो वैज्ञानिक जिनका नाम था, एक का नाम था बायो और दूसरे का नाम क्या था, सेवर्ट। इन्हीं के अनुसार एक नियम चला कि बायो और सेवर्ट नियम क्या है, राइट्स। इसी को वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, मोस्ट और इंटरेस्टेड वीडियो होगा। फर्स्ट नंबर बायो और सेवर्ट का नियम, बायो एवं सेवर्ट ने प्रयोगों द्वारा धारावाही चालक के करें कि बायो एवं सेवर्ट ने प्रयोगों द्वारा धारावाही चालक क्लियर से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। बायो और सेवर्ट जो दो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है, धारावाही चालक से जो उत्पन्न हो रहे थे चुंबकीय क्षेत्र, उसकी तीव्रता को क्या किया, सूत्र के अनुसार प्राप्त किया। अर्थात इस सूत्र के अनुसार धारावाही चालक के किसी छोटे खंड के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कई प्रकार या कई भागों में डिवाइड किया। ठीक है, दो वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र की जो धारा है अर्थात धारावाही जो चालक है, उस धारावाही चालक से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे थे उससे क्या किया, वो सूत्र के रूप में प्राप्त किया, और उसके अनुसार धारावाही चालक के छोटे खंडों में, छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया, और विभक्त करने के पश्चात किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को उसने क्या किया, कन्वर्ट किया भाग में, कई भागों में कन्वर्ट किया। तो पहला है कि चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक, जैसे हम लोग पढ़े थे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। इसी में हमारा जनित्र था विद्युत जनित्र, जनरेटर, राइट्स। तो ये जो भी हमारा सिद्धांत कार्य करते हैं किसके अनुसार कार्य करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, अर्थात फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र और क्या था, विद्युत धारा। सेम उसी तरह चालक खंड की लंबाई की अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, पहला। दूसरा नंबर, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है। अब देखिए इसमें लंबाई की अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात लंबाई अर्थात एल, राइट्स, अर्थात चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती। अब इसमें धारा क्या है, आई, और इसमें क्या होगा, लंबाई एल, राइट। तीसरा है कि चालक खंड से बिंदु की, चालक खंड से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युक्रमानुपाती होता है, राइट। चालक खंड से बिंदु तक के, अर्थात चालक खंड से, अर्थात मान लीजिए हमने बिंदु पॉइंट ए रखा है और पॉइंट, भाई हम लोग देखे थे पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, तो यहां पे पॉइंट ए से अर्थात जो चालक में बहने वाली धारा अर्थात आई, क्लियर, चालक से बहने वाली धारा आई की अनुक्रमानुपाती होती है, क्या होती है दोस्त, अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा नंबर था चालक खंड से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और चौथा था कि धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच में बहने, ठीक है, अर्थात यहाँ पे धारा की दिशा, धारा की दिशा की जो चालक है, चालक के अनुसार क्या करते थे, ये गमन करते थे, जैसे कि धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच में बनने वाले कोण, क्लियर, बनने वाले कोण, तो यहाँ पे है ना बनने वाले कोण, ठीक है, कोण साइन, राइट, साइन, साइन के व्यू अनुक्रमानुपाती होते, क्या होते हैं दोस्त, साइन के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात यदि तार की लंबाई डेल्टा एल हो, तार की लंबाई क्या हो, डेल्टा एल, तो देखिए फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फिगर क्या है, ए, ठीक है, राइट, अब यहाँ पे ये जो है तार की लंबाई, ये क्या है, डेल्टा एल है, क्या दोस्त, डेल्टा एल, राइट। तो कह रहा है कि यदि तार की लंबाई डेल्टा एल, तार में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या है, आई, एवं बिंदु पी के बीच, तो बिंदु पी यह है ना, बिंदु पी, अर्थात देखिए डेल्टा एल विद्युत धारा आई एवं बिंदु पी के बीच की दूरी क्या है, आर है, बीच की दूरी क्या है, आर है, राइट, अर्थात ये जो फिगर है ऐसे आके ऐसे बन गया, ठीक है।
तो ये हो गए हमारे डेल्टा एल, राइट, ये बहने वाले धारा आई, ठीक, और यहाँ पे बिंदु पी के बीच की दूरी क्या है, आर है, दोनों की बीच की दूरी क्या है, आर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। करेक्ट, डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल विद्युत धारा आई, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा कोण बनाता है, थीटा कोण बना रहा है दोस्त, ठीक है, यहाँ पे ओ, फिर बिंदु पी, राइट, आर और बी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यदि तार की लंबाई डेल्टा एल हो, तार में बहने वाली धारा आई हो, तार एवं विद्युत, सॉरी, तार एवं बिंदु पी, ठीक है, तार एवं बिंदु पी के बीच की दूरी आर हो, यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या हो, आर हो, तथा इस दूरी की धारा की दिशा थीटा कोण बनाती हो, इस दूरी की जो धारा है वो क्या है, थीटा कोण बना रही हो, तो यदि बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी हो, राइट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी हो, तो बायो सेवर्ट के अनुसार हम लोग हल करेंगे, राइट, बायो सेवर्ट के अनुसार एक छोटा सा क्या है, एग्जाम्पल है, देखेंगे, राइट, ठीक है दोस्त। फिगर के माध्यम से हमने समझा, उसके बाद से है कि बी समानुपाती आई, राइट, बी समानुपाती आई, उसके बाद से अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, समानुपाती साइन थीटा इंटू साइन, समानुपाती एल बाई आर स्क्वायर, बी इक्वल टू समानुपाती आई इंटू डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, राइट, उसके बाद से है बी स्क्वायर, सॉरी बी इक्वल टू एम यू बाई फोर पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि एम यू एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता अथवा चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, राइट, इसको एक बार और समझेंगे, एम यू एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता अथवा चुंबकीय, जैसे चुंबक की चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, राइट, इसका मान 4 पाई इंटू 10^7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद एक बार और समझेंगे, इसका मान जो है 4 पाई इंटू 10^7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है, अर्थात ब्रैकेट में नोट करेंगे एम यू, ठीक है, बाई 4 पाई इजकल टू 10^7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्त। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप लोग, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। जो हमारा ये चैप्टर था, क्या था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, राइट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो हम लोग वीडियो पढ़ रहे थे वो वीडियो था, क्या था, बायो सेवर्ट नियम, अर्थात बायो सेवर्ट का नियम क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। यूपी बोर्ड भी आपका स्टार्ट होने वाला, बिहार बोर्ड में पेपर चल रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे आप लोग साइंस पे, क्योंकि आपका साइंस फिर ऐसे ही स्ट्रांग होगा, राइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे। थैंक्स।